मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच की सहायक सॉलिसिटर जनरल लक्ष्मणा चंद्रा विक्टोरिया गौरी को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कॉलेजियम ने मद्रास हाई कोर्ट में जज के रूप में पदोन्नत किया है, जिसका विरोध मद्रास हाई कोर्ट के 24 वकीलों ने किया था। इन लोगों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से सौंपी गई फाइल वापस करने की अपील की थी। वकीलों का तर्क है कि गौरी बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव रही हैं तथा मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार गौरी अल्पसंख्यकों की, विशेष रूप से मुसलमानों व ईसाइयों के लिए कई बार आलोचना कर चुकी हैं। गौरी के बयान में धार्मिक कट्टरता दर्शाती है। वहीं गौरी का कहना है कि वह जून 2020 से बीजेपी में इस्तीफा दे चुकी है। इस बीच गौरी की नियुक्ति के विरुद्ध एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति की चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना व रामकृष्ण गवई की खंडपीठ ने कहा कि योग्यता और उपयुक्तता में अंतर होता है। योग्यता पर चुनौती दी जा सकती है, किंतु उपयुक्तता को चुनौती नहीं दी जा सकती। एलसी विक्टोरिया गौरी का जन्म 21 मई 1973 को पर्वतीपुरम कन्याकुमारी तमिलनाडु में हुआ था। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कडाईकनल से एमएससी की डिग्री प्राप्त की तथा मदुरई ला कॉलेज से एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की। 1995 से वकालत करना शुरू किया और 1997 वी विक्टोरिया एसोसिएट नामक कंपनी बनाई जो कानूनी सलाह देती थी। 2010 में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रमुख बन गईं। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी के चुनाव प्रचार की हेड भी रहीं। 2015 में केंद्र सरकार ने गौरी को सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल में शामिल किया। 2020 में सहायक सॉलिसिटर जनरल नियुक्त। 17 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कॉलेजियम ने मद्रास हाईकोर्ट में एडिशनल जज के रूप गौरी की नियुक्ति की सिफारिश की, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया। 7 फरवरी 2023 को हाईकोर्ट की जज बनी।